हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपको करेले की सब्जी बनाना बताऊंगी। तो मैंने ये करेले इस तरह से छील लिए हैं। ऊपर से मैंने ये सभी करेले ऐसे छील लिए हैं और इसको बीच में से इस तरह से लंबा करके काटेंगे। तो मेरे यहाँ पर सभी करेले हो गए हैं, लेकिन मैं इसको नमक में नहीं रखूंगी। करेले को नमक में रखने से इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे निकल जाते हैं। मैक्सिमम लोगों को मैंने देखा है कि करेले को नमक में लगा कर रखते हैं, फिर उसका पानी निकाल देते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। जो इसका कड़वापन है, जो इसके न्यूट्रिएंट्स हैं, वो तो सारे निकल जाते हैं पानी में। तो करेले का जो कड़वापन है, जब इसको हम बनाएंगे गैस पे, तो आधा कड़वापन तो वैसे ही इसका निकल जाता है। ये बीज वाला करेला आ गया है बीच में, तो मैं इसके बीज अलग कर लूंगी। ये मैंने लिए हैं प्याज। यहाँ पर मैंने जो करेले की परत उतारी थी, ये मैंने इसमें डाल दिए हैं। इसमें हम डालेंगे हल्दी और नमक हम इसमें लास्ट में डालेंगे। ये हल्दी, इसमें जो करेले की परत है, डालने के बाद करेला बहुत ही टेस्टी बनता है। लेकिन मैंने करेले को नमक में से नहीं निकाला है, ताकि उसके जो है पोषक तत्व इसमें बरकरार रहें। अब मैं इसमें डालूंगी सौंफ। तो अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च। इसमें मैंने डाला है गरम मसाला। तो अब ये मेरा करेले का मसाला रेडी है। करेले हमेशा जो है सरसों के तेल में ही बनाएं। रिफाइंड ऑयल में बनाएंगे या फिर किसी भी ऑयल में, तो वो टेस्टी नहीं बनेंगे। करेले आप बनाएं तो सरसों के तेल में ही बनाएं। और अब मैं इसमें डालूंगी कटे हुए करेले। फ्रेंड्स, लास्ट में अब हम इसमें डालेंगे आमचूर। आमचूर जो है करेले का कड़वापन दूर करता है।
ये मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच अमचूर। थोड़ा सा नमक, काला नमक डाला है ये मैंने। ये देखिए मसाला अच्छी तरह भुन गया है, करेले भी हमारे रेडी हैं।